हमने क्या गुजारिश की? पूरी ऑपोजिशन ने यह गुजारिश की, ये जो ब्रीच हुआ है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन है। मेहरबानी करके सारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी कौन देखता है? होम मिनिस्ट्री। हमारे बॉर्डर्स की भी हिफाजत होम मिनिस्ट्री की ये सब करती है, पार्लियामेंट की भी हिफाजत होम मिनिस्ट्री के ही, पुलिस वाले हों बाकी हों, सारे होम मिनिस्ट्री से। हमारी गुजारिश थी कि होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए और ये पूरा बताएं। हमने कोई झगड़ा नहीं करना था, हम ये जानना चाहते थे कैसे हुआ, क्या हो सकता था, ये बम लाते, ये जहरीली गैस लाते जिससे खुदा जाने कितने एमपी मर गए होते है, ये कैसे हुआ। नई पार्लियामेंट है और कहा गया कि ये इतनी सिक्योर है कि जितना अमेरिका का गोल्ड वो फोर्ट नॉक्स में है उससे ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ है। उसके बाद भी ये दो लोग आते हैं, छलांग मारते हैं और बीजेपी को जो भी बुरा भला कहते हैं, कहते हैं कि हमारी नौकरियां कहाँ हैं, हमारे घरों की हालत देखिए, हम लोग खाने के लिए तरसते हैं, पानी के लिए तरसते हैं, बिजली की फीस आसमान पर चढ़ रही है, तो आपने किया क्या हमारे लिए। उनका मकसद ये था, शुक्र करिए उनका मकसद ये नहीं था कि हमें किसी को मारना था। पहले भी आपने इनकी जजमेंट देखी है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी ये कहा गया था कि ये परमानेंट है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज ने ये कहा। आगे देखिए क्या होता है। वो कहते हैं इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो ये भी कहते थे ना कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, कहते थे ना जी। रियासत बैकवर्ड हो गई थी इनके वक्त में है जी। उसी पार्लियामेंट में राज्यसभा जिसमें कहते हैं, उसमें जब गुलाम नबी आज़ाद साहब अपोजिशन के लीडर थे, उनने दो रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। हमारे यहाँ 370 था, उसमें आंकड़े दिए जिसमें जम्मू कश्मीर गुजरात से भी आगे है। बिल्कुल। तो फिर 370 ने तो उसको पीछे नहीं रखा। आज भी आतंकवाद है, अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, दो जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए। रोज कहीं ना कहीं बम फटता है, अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। तो मुझे बताइए अगर ये कहते हैं आतंकवाद, और हमारे सिपाही वो बेचारा क्या कर रहा था, वो ईदगाह में बच्चों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, मार दिया उसको फारूक सर। भैया ये मुझे बताइए तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? वो जो बेचारा वो सीआरपीएफ भी और वो जो है वो पुलिस के डीएसपी, जिसका बच्चा मेरे ख्याल से मुश्किल से कुछ महीने पहले पैदा हुआ था, उसे गोली लगी, उसने टेलीफोन पे एडी साहब को टेलीफोन कर किया कि भाई मैं मर रहा हूँ, ये हेलीकॉप्टर जो ऊपर घूम रहा है इसको नीचे उतारिए, इसको मुझे ये खून बंद हो। फिर बीवी से कहता है, क्या होगा उसकी बीवी पे असर, कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बचूंगा, मेरे बच्चे का ख्याल रख। 2047 मुझे आंसू आए जब मैंने ये सुना। 2047 कहाँ पहुंचे हम, आतंकवाद बंद नहीं हुआ, वहाँ ढंडूरा पीट रहे जी, टूरिज्म इतना हुआ, अरे एक टूरिस्ट को गोली लग जाएगी कोई नहीं आएगा। ये तो शुक्र कीजिए वो आ रहे हैं और कुछ हम रोटी खा रहे हैं। 2047 फिर कहा फैक्ट्रियां आएंगी, कहा यहाँ बड़ा उद्योग लगेगा, कौन सा उद्योग लगा, कश्मीर में एक वो दुबई वाला मॉल लगा रहा है, अरे मॉल तो पहले ही हमारे यहाँ है, तो उससे कितना उद्योग बन गया। तो ये जो इनने एक वो बनाया ना किस्सा, ये इनका पहले से है सर डॉक्टर, ये 48 से इनका ये है कि साहब हमने इसको खत्म करना है। हर घर के सामने आपका एक सिपाही खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, मॉडर्न बंदूक लेके खड़ा है, क्या उसे मरना है? जिस दिन बंदूक उठ जाएगी देखना किस तरह पत्थर पड़ेंगे। भैया लोग बहुत कुछ कहते हैं,
जब अंग्रेज भी यहाँ 200 साल थे वो भी ये कहते थे हमने यही रहना है, हा? उस वक्त कौन जमात थी जिनने उसमें हिस्सा नहीं लिया इनको निकालने का? वो इन्हीं की तंजीमें थीं जिन्होंने अंग्रेजों से कहा हम आपके गुलाम हैं, हम आपके साथी हैं। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे जो खड़े हो गए। भगत सिंह था, वो तीन उठे और भारत को आजाद करने के लिए अपनी जान दी, फांसी पर चढ़ गए। सर, तो क्या आप समझते हैं कि हर एक चीज परमानेंट है? अरे हम परमानेंट नहीं इस दुनिया में, कौन ये कहते हैं परमानेंट है? डॉक्टर साहब, आ रहा है। राम सबका है, राम विश्व का राम है, वो हिंदुओं का राम नहीं है सिर्फ।